नीतीश कुमार रविवार को महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए हैं और बीजेपी की मदद से नौवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। इसके बाद सोमवार को नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 5 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र को रद्द करने का फैसला लिया गया। बिहार कैबिनेट की पहली बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। यानी अब जब नीतीश कुमार विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल से कहेंगे तभी सत्र बुलाया जाएगा। हालांकि विधानसभा का ये सत्र कैंसिल होना पहले से ही तय माना जा रहा था, क्योंकि इस बजट की तारीख महागठबंधन सरकार के समय तय कर दी गई थी। अब इस पर कैबिनेट की मुहर भी लग गई है। विधानसभा का बजट सत्र रद्द करने के अलावा इस कैबिनेट की मीटिंग में 4 अन्य एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार की नई सरकार यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए की अब नई सरकार ने जिन महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई है उनमें सदन की कार्यवाही बुलाने के लिए नीतीश अधिकृत है। बजट सत्र 5 फरवरी से आगे बढ़ाया गया है। बिहार के महाधिवक्ता की नियुक्ति का फैसला सीएम लेंगे। तो इस तरह से इन फैसलों को कैबिनेट की पहली बैठक में पारित किया गया है। कैबिनेट के कुछ ही देर बाद दोनों डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों ने जब सम्राट चौधरी से पगड़ी को लेकर पूछा तो सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा मेरी दूसरी माँ है, मेरे जन्म देने वाली माँ जब चली गई थी तब मैंने मुरैठा बांधा था, मैं व्यक्तिगत तौर पर कमिटेड हूँ, दूसरी माँ के सम्मान में अगर अयोध्या जाकर सर मुड़वाना पड़ा तो मैं मुड़वाऊंगा, मैं भाजपा का सिपाही हूँ, वो भावुक क्षण था जब मैंने वो बात रखी थी। सीएम हाउस में एनडीए नेताओं का भी जुटना शुरू हो गया है। जीतन राम मांझी अपने बेटे के साथ पशुपति और सम्राट भी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा तेज है, इसीलिए तमाम नेता सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले 11 बजे बिहार में एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई जिसमें 4 एजेंडों पर मुहर लगी। वहीं सचिवालय में लगे आरजेडी कांग्रेस के मंत्रियों के नेम प्लेट उखाड़ दी गई है। जेडीयू के पुराने मंत्रियों के नेम प्लेट को ढक दिया गया है। तेजस्वी के बंगले के बाहर लगी डिप्टी सीएम की नेम प्लेट को भी ढक दिया गया है। बता दें कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाई है। यानी कि बिहार में अब एनडीए की सरकार है, पहले महागठबंधन की सरकार थी। नीतीश कुमार ने रविवार को सीएम पद की शपथ ली है, जिसके साथ ही बिहार में अब 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, जिनमें पहला नाम सम्राट चौधरी का है, वहीं दूसरा नाम विजय कुमार सिन्हा का है। इसके अलावा 6 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई थी। तो इस तरह से बिहार में अब लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा खेल करते हुए एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाई है और नीतीश कुमार का साथ पकड़ा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।